जो इंटरक्रॉपिंग में कौन सी कोई कॉम्बिनेशन था जो नहीं लगानी चाहिए और कौन सी जो लगानी चाहिए? कमेंट जी आगे पीछे पिछले जन में कोई इंटरक्रॉपिंग में कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? गुड कॉम्बिनेशन एंड बैड कॉम्बिनेशन. ठीक है चलिए ये पीछे इधर पंकज सर. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जितनी आपने ये धान की वैरायटीज बताई हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी डिटेल्ड लिस्ट है जिससे हमें ये पता चल सके कि इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक इस पे चलो हीरा साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जिक्र किया है कि जो प्लांट्स के पत्ते जो हैं दरख्तों के हमको खेत में गिराने चाहिए हरे, तो जैसे वो हरे पत्ते को काट के लाना पड़ेगा, फिर दूसरा ये अगर गिरे हुए पत्ते को उठा के डाल दें उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर पत्तों पेड़ से गिरे पत्ते हो जाए उनको उठा के उसमें डाल दें तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दूसरी ये बात है, अगर आप जो प्लांट्स लगाने के लिए बोल रहे हैं, भैया ने भी क्वेश्चन किया था, तो कौन कौन से प्लांट्स लगाना है, पौधे ट्री कौन कौन से लगाने चाहिए, ट्रीज कौन कौन से लगाना चाहिए? मेरे द्वारा भी तीन जगह सही है, बिना पानी के झोने झोना हो सकता है, वो निर्भर करो वैरायटी के सिर पे या वो लाउन का कोई और तरीका है भी जेने तरीके ना लाके बिना पानी के झोना करा जा सकता है. सवाल है ये निर्भर करो वैरायटी के सिर पे भी बिना पानी तो हो सकते हैं या वो लाउन का तरीका है ये जिस तरह ये कोई जो बिना पानी के आपने कहा वैरायटी होगा वो वैरायटी में है या लगाने के तरीके में है? इट इज प्रैक्टिस और इट इज इन वैरायटी वैरायटी. ओके डॉक्टर साहब, मेरी बेनती है इंडिया में क्या किस्म दसिया ने या जो भी इंडिया ने किया सारा दसिया है, ये कोई किताब पढ़ी हुई है किस्म लग सकती है कि मैं सब्जी मंडी जो जाना ना जलो कि किसान जुड़े होते हैं मैं परेशानियां किस्म दसना और लोगों को वो छेटी बनने का नाम ही लेते हैं दुनिया किस्म आज मैं कुछ दुनिया ने मेरा सवाल ये है जी, एकदम जिम्मे चावल की बासमती चावल से यह पैरल भी जिम्मे बराबर कोई दूजा खेत होंगे जहाँ रसायन खाद वरतद भी वो बेचाले कोई कोई ना कोई चीज़ अभी फसल उगाई जाए कि फसल अभी उगा सकते हैं? एक तो यह है बॉर्डर आइसोलेशन बिटवीन केमिकल फार्म एंड ऑर्गेनिक फार्म, हाउ टू मेनटेन आइसोलेशन, हाउ टू मेनटेन अ बफर, उन्हें पूछा दोबारा पूछा कोई बात. ओके दूसरा सवाल यह है जी, जेड़ा उसी दरख्तों की गल की है भी जानी वो एक किले के पांच दरख्तों की गल है भी कि दरख्त वध बेनीफिट देंगे, निम सवाल आ गया डेब या कोई होर चीज के वध दरख्त देने और सर पेड़ लगाने चाहिए आगे इधर थी गुरमीत जी. हाँ जी डॉक्टर साहब, जिहड़ा तुसीं कहा भी पानी दे उपर निकल जाती है वरायटी चीरी दी, उह उपलब्ध है अपने कोल कीड़ी वरायटी है? उपलब्ध है, उपलब्ध तो है, वो तो दिखा वो उपलब्ध उनके लगाते हैं. इधर तुमको सवाल करना खुद को, ठीक है ये करेगा सर. जो आपने इंसेक्ट्स की बात की अभी, तो अपने आप एक्सपीरियंस से बताइए कि मतलब इंसेक्ट जो पॉलिनेशन के अलावा और क्या क्या फ़ायदे करते हैं और कौन से इंसेक्ट्स जो मतलब कि नुकसान करते हैं, इनके बारे में बता दें. वैसे हमारे में कीटाचार्य जी हैं, वो कल कीटाचार्य जी कुछ बोलेंगे तो कल हम बात करेंगे इस पर. जरा कीटों की बात थोड़ा हो गया और कोई है बस पूरा हो गया ठीक है. और तो आप ही रमेश जी आगे बढ़ा, तुमने गुलाबी हाथ खड़ा किया था नीचे ले लिया एक सवाल दो. सर हमारा जो खेत है सड़क के साथ में ही है लेकिन सड़क के किनारे लगे हैं गवर्नमेंट फीस पे दे, उसमें धान तो हो जाती है लेकिन कड़क नहीं होते 20 फुट एरिया के साथ साथ में. यूकोलिप्टस लगा हुआ है गवर्नमेंट का इनके खेत के बगल में, धान होता है गेहूँ नहीं होता 20 फीट तक 20 फीट तक. ओके ठीक है जी, जैसे सवाल इनको किया
पुरुष बलबीर जी पूछ लो उसी तरह कमजोर आवाज में। मेरा दर्शन सवाल है कि ये भाजन इन्होंने दिखाई कोई इन्होंने समझ आ गया कुछ नहीं समझ कि यदि ये बोल तरीके ना ड्रग्स ना भी सेवन कर सके ये ड्रग्स से फर्क करने वाले को ड्रग्स फैक्ट्री है सर असर फर्क होना था ओदा कोई नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਡਰੈਕਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਡਰੈਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਣ ਮਾਈਕਲ ਕਮਾਂਗਾ ਉਹ ਨਰੋਲ ਸਰਚਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਰਾ ਜੈਸੇ ਹਮ ਦੇਵਲ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਚੜਧਾਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਇਕੱਠੇ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਓਵਰ ਟੂ ਦੇਵਲ ਦੇਵ फल का क्या क्या आकाश पेड़ में लगाएंगे तो जरूर जितने सारे मैं जो बताया ना जो डाइवर्सिटी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बताया ना तो बड़ा पेड़ होंगे मीडियम साइज का पेड़ होंगे छोटा पौधा होंगे और उसका ऐसा क्या बोलते हैं रिच गोड पंपकिन मचाई करते ना बिल्ली बिल्ली कपूर का क्या करते हैं बिल्ली हाँ क्रीपर्स क्रीपर्स नहीं हर क्रीपर्स के लिए जो जो कपूर करते हैं ना उसको करते हैं ऊपर में आते हैं पल जा सपोर्ट देते वो तार लगाने तार लगाने हाँ वो रंगू का जो स्ट्रक्चर है कि तो इतने सारे आपका आइडिया होंगे कि आपका फार्म को फाइव स्टोरी हाउस होगा फाइव स्टोरी पांच तला का बिल्डिंग होना चाहिए एकदम टॉप फ्लोर होगे बाम जैसा होते ना दाल का उसके नीचे होगा आम जामुन महुआ ऐसा कुछ बड़ा बड़ा जो पेड़ है सब फल का पेड़ हो सकता है जो एडिबल फल होने इंसानों नहीं खा सकता है ऐसा भी हो सकता है लेकिन बड़ा बड़ा पेड़ होना चाहिए तब आम का पेड़ लगा दीजिए कटहल का पेड़ लगा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बड़ा हो जाएगी उसके नीचे छोटा छोटा जो पेड़ है जैसा केला पपाया छोटा पेड़ वो भी लगा दीजिए उसके नीचे होगा आपका जो है ना बाम्बू का स्ट्रक्चर जिसमें क्लाइंबर्स आएगा वो गोड आएगा पंपकिन आएगा जितने सारे बॉटल गोड आएगा उसका क्या कद्दू कद्दू जितने सारे हैं उसके नीचे आपका अदरक आ जाएगा हल्दी आ जाएगा लहसुन आ जाएगा प्याज आ जाएगा जितने सारे वो ग्राउंड फ्लोर आ जाएगा पाँच हो गया अगर आपका पान पे पांच ऐसा फाइव स्टोरी बिल्डिंग हो जाए तो सबसे बढ़िया सबसे मजबूत इकोसिस्टम आपका बन गया ये स्ट्रक्चर के बारे में उसके बाद तो स्ट्रक्चर जो स्पीसीज वो स्पीसीज आप चुन लीजिए आपका अगर आम का पसंद है तो आम लगा दीजिए तो और बहुत सारे हैं नीम का पेड़ है सारे दुनिया में अभी बहुत रिसर्च हुई दिखाएं कि अगर नीम और शेवड़ा का तो पंजाबी हिंदी नाम नहीं मालूम है स्क्रेप्टस एस्पर वो छोटा पेड़ है उसका फल खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं खाते हैं बहुत मीठा फल होता है छोटा छोटा ये दोनों स्पीसीज को अगर आपका ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत सारे चिड़िया आ जाएगा जो चिड़िया आपको जितने सारे कीड़े होंगे उसको खा लेंगे ये दो स्पीसीज को बोलते हैं बर्ड अट्रैक्टर चिड़िया को अट्रैक्ट करते हैं आकर्षण करते हैं तो वो आके वो देरी की बात कर रहे हैं देरी की गल कर रहे हैं फ्रूट ट्रीज का उसका है कि पेड़ों जो लगाएंगे उसका डिस्टेंस फर्क करना है उसका डेंसिटी डेंसिटी है कि ऐसा अगर आपका एक बीघा जमीन है
तो फॉर्मूला है एक बीघा जमीन में कम से कम दो पेड़ों लगाना पड़ेगा। कश्मिंदर जी, फॉर्मूला ये है, थंब रूल है, कोई फिक्स नहीं है कि दो के जगह में तीन लगाने से डेंजर हो जाएगी, लेकिन थंब रूल है एक बीघा में दो पेड़, बड़ा पेड़ कम से कम लगाना है, एक मिडल में एक किनार में। ये है फॉर्मूला। किनार के मतलब बाउंड्री का जो चीज जिस जगह एक बाउंड्री। तो अगर एक नीम पेड़ किनार में लगा दीजिए, एक स्टेपलूसास पर या आम का पेड़ मिडिल में लगा दीजिए। ओके, ये है डेंसिटी। और इसका बेनिफिट है, एक नंबर तो जितने सारे पत्ते गिरते हैं उससे आपका नाइट्रोजन पोटाशियम का घटा मिटा देगी। दूसरा है कि बहुत सारे स्पीसीज है, पार्टली योर आंसर ऑल्सो, बहुत सारे कीड़े आते हैं वहाँ, बहुत सारे चिड़िया तो आते ही है, तो आउल्स आते हैं, केंचा जो उल्लू जो आते हैं, वो रात को आपको बहुत चूहे खाते हैं, बहुत कीड़े खा लेते हैं। ये एक है ड्रोंगो, है ना, ब्लैक ड्रोंगो, हाँ काला काला जो बर्ड्स है, बहुत कॉमन है। हाँ, जो उसका टेल फॉर्क है, उसका लंबा टेल फॉर्क होते हैं ना, काली काली, बहुत कॉमन है। वो सारा दिन में 150 कीड़े खाते हैं एक एक ड्रम। अगर आपका जमीन में एक ड्रम को बैठेगा तो 150 हर डे हर दिन 150 कीड़े खा लेंगे। तो ऐसा भी वो पेड़ों लगाएंगे वो आ जाए। और तीसरी ये है कि बहुत सारे कीड़े आएगा, जिस कीड़े ने वो आपको हेलीकॉप्टर पकाया ड्रैगनफ्लाई को, तो हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीकॉप्टर से बम्बार्ड नहीं करते हैं, वो पकड़ते हैं। ठीक है, वो पकड़ के जितने सारे आपका वो दुश्मनी जो कीड़े हैं उसको खाते हैं। वो बहुत अच्छा प्रेडेटरी बर्ड्स है। ये तीन किस्म का है। आम पेड़ लगाएंगे तो और एक दूसरा बेनिफिट है, हर आम पेड़ों के साथ एक चिट्ठी आते हैं, इकोफाइला रेड एंट कहते हैं, जिसने वो पत्ता सिलाई करके स्टिचिंग करके नेस्ट करते हैं। देखें, एक लाल चिट्ठी आते हैं जो पत्ता सिलाई करके, हाँ एक कीड़ी होती है लाल कीड़ी, एंड 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 लाल कीड़ी होती है जी, पत्ते सियों के आपका अर्ध बनाती है, पत्ते गोल करके सीखे अंब के पल्ले जी। तो वो जो आएगा तो अफ्रीका में ये पद्धति है कि वो आम पेड़ लगाते हैं, जो चिट्ठी का जो नेस्ट है वो दो कलेक्ट करके जमीन में बैठे देते हैं, तो एक एक नेस्ट से 100 का वो चिट्ठी निकलते हैं बहुत एंग्री होके। तो एंट्स को तो डिस्टर्ब करने से तो बहुत एंगर होते हैं ना, एंग्री होके इतने सारे वो सर्च करते हैं कहाँ दुश्मन है, उसको काट देते हैं। तो वो एंग्री होके वो 100 एंट्स जर दिख जर साइड से निकलते हैं और वो धानों का पौधों की गेहूं का पौधों जो भी जितने हैं पौधों के ऊपर, हर पौधे के ऊपर वो सर्च करता है वो कौन डिस्टर्ब किया। जितना है जहाँ जहाँ वो कीड़े मिलते हैं, वो स्टेम बोर्डर हो, वो लिप बोर्डर हो, लिप सबको वो खाते करते थे। तो ये आम पेड़ के बहुत अच्छे हैं। ये है हमारा किसानों के लिए, ये है इंटेलिजेंस, कैसे कुदरत को कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद वो सब खत्म करने के बाद फिर वो आम का पेड़ में चले जाते, फिर नया नेस्ट बनाएंगे। हाँ जी, ओते ना कीड़े वाले फ्लैक्स लगे हुए हैं, ओदे च लाल कीड़ी का फ्लैक्स भी लगे, पर लाल कीड़ी जी है बहुत खतरनाक कीड़ी मनी जाती है, तो अंब के पत्तियां से आड़ बनाती है। अफ्रीका दे विच लोग की करते हैं भी एक दो आड़े तोड़ के वो जमीन च सुट देते हैं जिते उन्होंने फसल बीजी होती है खेत च, उस तो बाद आड़े चो निकलती हैं पूरे क्रोध च, तो जिहड़ा भी जिहड़ी भी फसल लगी वो चढ़ जाती है, तो जिहड़ा जिहड़ा भी उन्होंने कीड़ा चढ़ता वह लपेट दिंदी है।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜ ਕੀੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀਆਂ ਭੂਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਸੂਧਾ ਫਾਰਮ। ਕਿਹੜਾ? ਵਸੂਧਾ ਫਾਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ 10-15-20 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਡੀਸਨਲ ਰਾਈਸ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 52 ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ ਧਾਨ ਕਾ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨਲ, ਸੋਰੀ 52 ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨਲ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਧਾਨ ਹੈ, 5 ਨੰਬਰ ਜੋ ਧਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, 1, 2, 3, 4 ਨਹੀਂ 6 ਨੰਬਰ ਜੋ ਲਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ ਨਵਾਰਾ, ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਮੈਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਾਂ ਇਨਸੈਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਤਰਕੀ ਕਾ ਦੌਰਾ, ਤੋ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਰਵਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੱਥ ਸ਼ੇਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸਕੋ ਇਸੇ ਚੌਲ ਖਿਲਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਚੌਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਓਰਿਸਿਨ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਓਰਿਸਿਨ ਇਸਕਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਓਰਿਸਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਮੇ ਜੋ ਨਿਊਰੋਟੋਕਸਿਨ ਕੋ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਉਸਕੋ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰ ਦੇਤੇ, ਉਸਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਤੇ, ਜਿਸਸੇ ਉਹ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤਾ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਤਾ। ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ IRRI ਕਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, IRRI ਕਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀ, ਇਹ ਨਵਾਰਾ ਸੇ ਓਰਿਸਿਨ ਮਿਲੀ, ਨਵਾਰਾ ਨਵਾਰਾ ਇਹ ਵੈਰਾਇਟੀ ਕਾ, ਇਹ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ। ਇਹ 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਚਰ ਪਈ ਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਵਾਰਾ, ਗੰਨਾ ਵਾਹੇ ਗੰਨਾ ਲਾਰੇ ਗੰਨਾ। ਇਹ ਮਿਰਗੀ ਮਿਰਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਿਸਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਟੋਕਸਿਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਪੈਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਬਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 52 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਹੋ ਰਹੇ ਯੈਲੋ, ਇਹ ਚਾਵਲ ਹੈ ਇਸਮੇ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਸਕਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ 58 ppm, ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆਪਕਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ, ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਤੇ ਹੈ ਆਪਕਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾ ਟੈਬਲੇਟ ਹੋਤਾ ਹੈ 60 rupees, 60 rupees ਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਅ ਹੈ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾ ਟੈਬਲੇਟ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਦੇਣੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੌਲ ਮੇ 58 ppm, 58 mg ਪਰ 100 gram ਮੇ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਚ ਖਾਏਗੇ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਚ ਖਾਏਗੇ ਤਾਂ ਉਸਕਾ 2 ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, 2 ਕੈਪਸੂਲ। ਉਸੇ ਵਰਾਇਟੀ ਉਸਕਾ ਕਾਲਾ ਨੂਨੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਿਆ,
तो उधे 100 ग्राम चौड़ा में अंदर 58 मिलीग्राम एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ते एंटीऑक्सीडेंट दी एक टैबलेट गोली जे बाजार चो खरीद के खानी हो तो 60 रुपए दी होती है। ते कैंसर वाले मरीजों को दित्तियां जांदियां हो। इहदा छिलका काला चावल पीला ते एंटीऑक्सीडेंट मतलब तुहाडे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के जिहड़े फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन्हां करके अगे बीमारियां होंदियां उन्हां नूं खत्म करदा ते तुहानूं बीमारियां तो सब तो तकड़ी रख्या प्रदान करता तुहाडी जिहड़ी बीमारियां नाल लड़न दी शक्ति आ उहनूं वधाउंदा। और एक लास्ट और एक मैंने बोला हूँ बिट बीच में मैंने चार नंबर बाएं से चार नंबर है ना मिडिल में देखिए वो ब्राउन कलर में है हाँ बोला वो है गरीब शाल वो भी उसका भी मैं पिछले साल में वो पब्लिश की ये दुनिया में एक ही रेस है जिसमें सिल्वर मिलती है चांदी चावल में चांदी मिलती है गरीब शाह इतना गरीब शाह में चांदी मिलता है तो भिखारी साहब का बोल रहा हूँ सुने के लिए गरीब छछा छाल गरीब छाल 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 तो ये जो चांदी मिलते हैं इसमें यह मेडिसिनल है कि वो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में वो खिलाते हैं जिसका डिसेंट्री डायरिया जियाडियासिस जो भी पेट का जो इन्फेक्शन जितने हैं डिसेंट्री हो तो वो एक बार खाना खाने के बाद मैक्सिमम दो बार लंच और डिनर खाने के बाद जितने सारे पेट का जो इन्फेक्शन हो तो पूरा इलाज हो जाते हैं। तो आधे में अभिष्कार की उसका कारण होते हैं कि सिल्वर जो चांदी है ना सिल्वर जो है नैनो क्वांटिटी का सिल्वर पूरे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं पैथोजन को खत्म कर देते हैं। इसलिए वो ट्रेडिशनल जो मसाला थे उसका आविष्कार नहीं थे उसका जानकारी नहीं था कि उसका सिल्वर है कि सोना है लेकिन देखा कि इतना मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऐसा है वो खाने के साथ साथ आपका जितने सारे इन्फेक्शन आगे वो खत्म हो जाए। तो इतने सारे ऐसा हमारे पास तो 56 टाइप का मेडिसिनल राइस है। तो आप अभी क्या पूछेंगे इसका प्रोडक्शन यील्ड कितना है ये है बढ़िया एक दीप शाल नाम का जो चौल है ये विच चांदी पाई जाती है ते परूलिया जिला जो है बंगाल का उतों के लोग पेट दियाँ हर तरह दियाँ जड़ियाँ बीमारियाँ इन्फेक्शन है उन्होंने ठीक करने लिए दिन च दो बारी एक मरीज को यह चौल खवाते हैं तो वह मसला हल हो जाता ठीक है जी। तो जे किसी पेट की इन्फेक्शन हो जाए तो हफ्ते की ना वो देंगे 500 mg कैप्सूल हफ्ते की दवाई देंगे 500 mg नोवामॉक्स मॉक्सीसिलिन तो हफ्ते बाद वो घटती नहीं फिर एक हफ्ते की देंगे हफ्ते की बजाय दो हफ्ते की बजाय एक दिन च दो बारी कौली कौली चौल खाते पेट की इन्फेक्शन ठीक हम झाड़ पुछोगे गोलियां का झाड़ कितना होता बच्चे खरा में होने वाला जो वैरायटी है वो उसका वैरायटी का प्रॉपर्टी है कि मेथड्स नहीं हम जो दिखाया वो प्रॉपर्टी उसका वैरायटी का ही प्रॉपर्टी है। वैसा वैरायटी है कि आपका फर्स्ट जो रेट जवाब मिल गया आपको ट्रांसप्लांटिंग के टाइम ये वैरायटी का ही प्रॉपर्टी है ट्रांसप्लांट करेंगे हाँ रोपण के टाइम तो बरसात होगी ऐसा नेचुरल बरसात होगी एक बार बारिश होगी तो उसका ट्रांसप्लांट करने का उसके बाद और भी एक महीना तक कोई भी बारिश नहीं हुई एक बूंद भी उसका इरीगेशन जरूरी नहीं है ये है डाउट वाला वो वैरायटी का जो पिक्चर दिखाया वैसा ही वैरायटी का ही प्रॉपर्टी है। इसलिए मैं बोला कि ये सब चैलेंज का बात है एग्रीकल्चरिस्ट को कि आज 70 साल का रिसर्च के बावजूद आज तक एक भी हाई यील्डिंग वैरायटी पैदा नहीं हुई जिसने इरीगेशन का ज़रूरत नहीं लेकिन किसानों के हाथ से ऐसे ही और आप हमारा कोई
किताब है, एक किताब है ये इंडस्ट्रियल वर्सेस इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, और दो तीन है लेकिन ये इंग्लिश में लिखे हैं, इंडियन लैंग्वेज में नहीं, अभी तक नहीं लिखे। तो इसमें कुछ कुछ वो पद्धति वैरायटी के बारे में नहीं, कौन वैरायटी मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे करना है, इंटर क्रॉपिंग कैसे करना है, कौन कौन स्पीसीज कॉम्बिनेशन कैसे होगी, ये सब पद्धति है। इन्होंने दसिया एक किताब का यह है इंडस्ट्रियल वर्सेस इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, ठीक है जी, तो दो तीन किताबा होर भी है, पर सारिया अंग्रेजी से है, किसी भारतीय भाषा के बच्चे नहीं है। हूँ तुम दसो भी आप पंजाबी करिए, जे मैं कर दिया तो कितने की खरीदोगे है जी, ठीक है। ठीक है, पहला पंजाबी करांगे तो दूजियां दा भी करांगे, ठीक है। तो आपका और क्वेश्चन थे क्या क्या पेड़ों और पौधों कॉम्बिनेशन, तो मैंने बता दिया, तो कॉम्बिनेशन है जितने सारे, वो फाइव स्टोरी बता दिया जितने सारे, उनको फल का पेड़ हो, बिना फल का पेड़ हो, नीम का हो, जो भी हो लगा दीजिए, और पौधों तो जितने सारे आप जितने क्रॉप्स लगाएंगे वही होगा, उसके साथ आसपास में जमीन के आसपास में जितने सारे पौधों होगा उसको मत कटिए, उसको रखना है, इंक्लूडिंग वीड्स। देखिए साइंस में, एग्रीकल्चर साइंस में, अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंस में वीड्स इम्पोर्ट हो गया, लेकिन साइंस में वीड्स नाम से कोई पौधों नहीं होते, कोई पेड़ों पौधों नहीं है जिसके नाम है वीड्स, वीड्स का कोई क्यूब नहीं है, वीड्स है इस एन इंडस्ट्रियल क्रिएशन, इंडस्ट्री उसको क्रिएशन किया। सी वर्ड सरे भाषा में, इंडियन किसी भाषा में वीड्स का कोई वर्ड नहीं है, संस्कृत में नहीं है, द्रविड़ियन लैंग्वेज में नहीं है, बंगाली में नहीं है, हिंदी में नहीं है, वीड का कोई नाम नहीं है, वीड का वीड जैसा कोई पौधो नहीं है। आप सोच लीजिए, आप धान और गेहूँ लगा दें, कोई नहीं, और कोई नहीं, कुत्ते का बच्चा है ना, ये भी बायोडाइवर्सिटी है, डोमेस्टिकेट। आप अगर गेहूँ का चास करेंगे, खेती करेंगे, धान का खेती करेंगे, तो धान के अंदर मान लीजिए एक टमाटर का आ गया, एक बैगन आ गया, एक साग आ गया, ठीक है, तो वो तो वीट है, तो उठा देंगे। अगर साग की खेती कर रहे हैं तो वहाँ दो देखेंगे, दो धान का पौधों आ गया, तो धान तो वीट है, बैगन का खेत में तो धान वीट हो गया दो तीन, उसका तो उठा देंगे। तो हर्बिसाइड जो बताते हैं ना खरपतवार नष्ट करने के लिए, तो केमिकल कैसे स्थित करेंगे, कौन सा वीड है, धान को मरेंगे कि बैगन को मरेंगे, साग को मरेंगे, अब बताइए इसको मरेंगे। अगर वो तो स्थित करते हैं किसान, हमारा क्या काम पे आते हैं उसको लगाएंगे, और जो काम पे नहीं आएंगे उसको बोलेंगे वीड। तो अभी धान के खेती के अंदर अगर साग आ गया तो हमें काम पे नहीं आता, उसको वीट बोल रहा हूँ, लेकिन जब उसी साग को ही खेती करेंगे तब धान उसको घुमा वीट हो गया है। तो वीट किसको बोलते हैं, किसान बोलते हैं। तो केमिकल कैसे पहचानेगा कौन सा इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अगर उसको नहीं बोलेंगे वीट साइड, वीट खत्म करने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए केमिकल स्प्रे करो, जब तक वो किसान विश्वास करेंगे हाँ हाँ ये केमिकल बहुत है, वो दुश्मन को खरपतवार को नष्ट कर देंगे, तब तक कंपनी का सस्टेनेबल प्रॉफिट हो जाएगी, कंपनी का सस्टेनेबल प्रॉफिट होगी, किसानों का सस्टेनेबल लॉस होगी, और हमारे मिठाई वाला के जैसा उसी सस्टेनेबल सेल्फ सस्टेनेबल। तो ये वीट का कोई बात नहीं है, जितने सारे पौधों हैं इंक्लूडिंग वीड्स, इसलिए मैं बोला जो किसानों को बुला दिया कि यही वीट है, ये घास वीट है, वो पत्ते वीट है, उसको भी रखना चाहिए, जितने सारे रखेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, कल अगर
मौका मिले तो बहुत सारे पिक्चर दिखाएंगे, बहुत सारे ग्रास है, घास घास है, जिस घास से बहुत पोटेशियम मिलते हैं फ्री मुफ्त, कुदरत उनको फ्री मुफ्त से पोटेशियम दे रहे हैं घास के रूप से। और किसान इतना बुर्बक हो गया उसी घास को निकाल देते हैं, देने के बाद पोटेशियम बाजार से लेके डालते हैं, फॉस्फरस देते हैं, इतने सारे पत्ते हैं बहुत रिच फॉस्फरस आते हैं, लेकिन किसानों को समझ दिया वो वीड्स है, खरपतवार है, उसको निकाल के डीएपी और सुपर फॉस्फेट डालते हैं, ऐसा देखते हैं। लेकिन कुदरत हमको गिफ्ट देती है, ये फॉस्फरस ये दे दो, दो किस्म का घास दे दिया, जो किसान बुजुर्गों के बात नहीं सुनी वो सब चला गया, उसका पूरा आइडिया नहीं है, ज्ञान चला गया, सबको नष्ट कर दिया। तो इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपका मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में इसी पौधों लगाना है उसी पौधों नहीं लगाना है, हमारा सुझाव है कि सब पौधों लगाएंगे और जो नेचर में जो कुदरती से आते हैं उसको भी रख रखा हुआ है, लेकिन जो बढ़ जाते ओवर प्रोडक्शन हो जाते तब तो धान और गेहूँ तो कम हो जाएगी, उसी का भी कुदरत से फॉर्मूला है। आपका अरहर दाल बोलते हैं ना, अरहर दाल में देख तो अरहर दाल आपका मार्जिन में लगा देंगे और अरहर का पत्ते वहाँ आ जाएगा तो मूठा घास निकल जाएगा, बस उसका कोई केमिकल का जरूरत नहीं है, अरहर का पत्ते जहाँ पड़ेगा वहाँ गिरेगा, वहाँ मूठा घास वो चले गया। ये हाँ भाई सुखदेव जी जाते जाते सुन लो, बहुत कम की गल दस गई, जिथे तुसी अरहर की दाल लाओगे उस खेत च अरहर के पत्ते डिगण तो बाद वर्क नहीं होगी पोथरा, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या है कोई भी वीड या खरपतवार नहीं होता पौधा, कुदरत दे विच सारे पौधे किसी ना किसी काम के है, तो साडी सेवा दे विच वो गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी च भी लिखा लख 84 मेत नहीं सब सेव करता, तो उस हिसाब न सोचिए तो सारा कुछ साढ़े लिए है, पर अभी जो कंपनियों का गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेंगे फिर वो उन्होंने हो जाता तो साढ़े लिए कुछ रह नहीं जाता। यूकेलिप्टस धान के खेती के आसपास में यूकेलिप्टस प्लांटेशन है तो क्या क्या वीड नहीं हो रहा, वीड को नुकसान हो रहा, वीड को नुकसान, हाँ हाँ वही तो वो गई धान को गेहूँ जो भी हो यूकेलिप्टस के पत्ते के मैं बोला ना सैलिसाइलिक एसिड होते हैं, एसिड का मतलब क्या है, एसिड का मतलब क्या है, एसिड जहाँ गिरते हैं सॉइल का मिट्टी का पीएच घटा हुआ है, ये जितना नीचे हो जाए आ जाएगा फसल का हानि उतना ज़्यादा होगा। तो यूकेलिप्टस पत्ते के दो किस्म के हैं, एक नंबर है कि उसका एसिड कहते हैं पीएच घटा कर देते हैं, दो नंबर है कि जो सैलिसाइलिक एसिड होते हैं, जो सैलिसाइलिक एसिड इंडिया में नहीं थे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको बचाने के लिए कोई जीवाणु कीटाणु कीड़े नहीं होते हैं अभी तक नहीं पाए गए। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में लाखों से साल से इवॉल्व हुआ पॉल्यूशन हुआ यहाँ तो नहीं आए, तो मैं नहीं जानता हूँ आज से 200,000 साल बाद उसका आ जाएगा, लेकिन आज तक नहीं आए, तो जब नहीं आए तो उसका भी उसमें नीचे जितने सारे कीटाणु बीजाणु है मशरूम्स है उसका ख़त्म कर देते, ये एक है और दो है एसिडिटी के लिए वो पीएच घटा हुआ है, तो आपका फसल का हानि हो जाएगी। ठीक है जी, सफेदे के पत्तियों की समझ आ गई, अकेले में बाद में बात कर लो, बाद में कर लेना, बाद में हो गया जवाब दे दिया, ठीक है जी। सफेदे के पत्ते जितने डिगणगे उस जमीन के उत्ते जिन्हें भी सूक्ष्म जीव है जा फंगसा है वह खत्म हो जाएगिया, तो सफेदे के पत्तिया पिछले तेजाब करके जड़ा है तो जमीन का पी एच डाउन हो जूगा, तो दोनों वजह करके जोड़ा है सफेदे की छां थले एक बड़े खेत्र तक फसल का नुकसान होता है।